हाथरस कांड अलीगढ़ जेल से रिहा हुए दोष मुक्त किए गए तीनों आरोपित लेने आए परिजन। गुरुवार को हाथरस के बिटिया प्रकरण में विशेष न्यायालय SC ST ने 4 में से 3 अभियुक्तों को बरी कर दिया था। शुक्रवार को तीनों अलीगढ़ की जेल से रिहा कर दिए गए। परिजन उन्हें लेने पहुंचे, जेल से बाहर आते देख खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। हाथरस के बीच न्यायालय SC ST ने बिटिया प्रकरण में लवकुश, रवि और रामू को बरी कर दिया था। तीनों अलीगढ़ की जेल में सन 2020 से बंद थे। जेलर PK सिंह ने बताया कि तीनों की रिहाई का परवाना शाम 6:30 बजे पहुंचा था। तीनों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर शाम को जाने से मना कर दिया था। आज सुबह 8:30 बजे लवकुश, रवि और रामू को जेल से रिहा कर दिया गया। तीनों के परिजन लेने आए थे। ऐसी हुई थी गिरफ्तारी। 14 सितंबर 2020 को चंदपा क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ वारदात हुई। जिला अस्पताल से अलीगढ़ JR मेडिकल कॉलेज भेजा। पुलिस ने आरोपी संदीप के खिलाफ दर्ज किया जानलेवा हमला व SC ST उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज। 19 सितंबर को पुलिस ने नामजद आरोपी संदीप को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर को बिटिया के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376D बढ़ाई और 3 अन्य अभियुक्तों के नाम शामिल किए। 23 सितंबर को दूसरे आरोपी लवकुश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 सितंबर को तीसरे आरोपी रवि को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तत्कालीन कोतवाली निरीक्षक चंदपा को किया गया लाइन हाजिर। 26 सितंबर को चौथे आरोपी रामू को पुलिस ने गिरफ्तार किया।